हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मोदक, जिसे गणपति बप्पा जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर की जो फीलिंग है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पैन में 1.5 चम्मच घी ले लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेश कोकोनट्स। तो यहाँ पर फ्रेश कोकोनट्स को मैंने बड़े बड़े चंक्स में काट लिए थे, और उसके बाद मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला दिया, ग्राइंड कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेश कोकोनट है, तो या तो आप उसे ग्रेट कर सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में मेरी तरह इस तरह से उसको क्रश कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद हम यहाँ पर मिठास के तौर में डालेंगे गुड़। गुड़ जब तक अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता, इसे तब तक आपको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम में पकाते हुए जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, बढ़िया कलर आ गया है, और थोड़ी देर आपको बस इसे कुक करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जब अच्छी तरह से चीज़ें जब पक चुकी है तो उसका कलर भी हल्का डार्क हो जाता है। इस स्टेज में आप डालेंगे ऊपर से इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए आपको 1 मिनट के लिए थोड़ी देर आपको पका लेना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका फिलिंग बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ये जो फिलिंग बन करके तैयार होती है ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और हल्की जूसी होती है। तो इसे साइड में अब रख देते हैं और रेडी कर लेते हैं मोदक का डो। तो डो के लिए यहाँ पर आपको एक बर्तन लेना है, और बर्तन में मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो जिस कप से मैं पानी डाल रही हूँ उसी कप से ही मैं इसमें चावल का आटा डालने वाली हूँ। सेम कप में आपको चावल का आटा लेना है, उसे लेवल अप करना है, और उसके बाद इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक, और साथ ही साथ ऐड कर देते हैं घी। पानी में एक उबाल आने देते हैं, और जैसे ही आप देखें कि पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी काफ़ी गर्म है, तो आप केयरफुली इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा और इसका डो बना करके रेडी कीजिएगा। साथ ही साथ इस टाइम पे आप गैस ऑफ कर दीजिए, और इस गर्म पानी में इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको डो रेडी कर लेना है। तो अब यहाँ पर जब पानी और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, उसके बाद आपको इसे एक बड़े थाली या परात में निकाल लेना है, और उसके बाद हम इसे और नीड करेंगे जब तक कि ये बहुत ही स्मूथ सा डो बन करके तैयार नहीं हो जाता। तो इसे मैं यहाँ पर थाली में निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इसमें मैं 1.5 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मसल मसल के गूंदना है। इसे आपको अच्छी तरह से नीड करना है जब तक कि ये आपका बिल्कुल ही सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही स्मूथ डो बन करके तैयार है, फिलिंग भी रेडी है, डो भी रेडी है। तो अब मोदक हम बनाते हैं। तो मोदक के लिए मैं यहाँ पर मोल्ड ले रही हूँ। इस तरह से आपको मोल्ड ले लेना है, और फिर छोटा सा पोर्शन लेना है आपको डो का, और इसके अंदर इस तरह से आपको पहले भर लेना है। अब यहाँ डो डालने के बाद इसको एक फिंगर की मदद से साइड साइड में आपको पुश करते हुए जाना है, और बीच में स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पे आप फिलिंग भर सकते हैं। तो इस तरह से साइड साइड में उसे आप पुश करते जाइए ताकि इसका शेप भी बन जाए और बीच में इस तरह से स्पेस भी क्रिएट हो जाए। जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस बन चुका है और आपने अच्छी तरह से साइड में पुश कर दिया है ऑलरेडी आटा को, तो अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। तो यहाँ पर फिलिंग को बहुत ही आराम से धीरे धीरे डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा स्पेस है। तो यहाँ पर धीरे धीरे पुश करते हुए आप फिलिंग भरिए ताकि आपके मोदक में बढ़िया मात्रा में फिलिंग अंदर हो। तो इस तरह से पुश करते हुए आपको फिलिंग भरना है और ऊपर कवर करना है वापस उसी डो से। तो डो से इस तरह से आप पुश करते हुए उसको अंदर डालिए, और उसके बाद साइड में जितना भी एक्स्ट्रा निकल जाता है उसे आप निकाल करके रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मोदक है वो कितना बढ़िया बनकर के तैयार हो गया है। मोल्ड के वजह से काफ़ी अच्छे शेप में आया है, और अंदर फिलिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से भर जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मोदक बनकर के तैयार है। तो इसी तरह से ही फ्रेंड्स, आपको सारे मोदक बना करके रेडी रख लेना है, और उसके बाद हम उसे स्टीम करेंगे।
तो इसी तरह से ही आपको मोदक बनाते हुए जाना है और स्टीम वाले बर्तन में आपको इस तरह से रखते हुए जाना है। तो उससे पहले आप पानी को गर्म करने के लिए चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद इसे स्टीम करने के लिए रखिएगा। तो यहाँ पर सारे मोदक बन करके तैयार है, स्टीम होने के लिए रेडी है और यहाँ पर पानी भी अच्छी तरह से बॉईल होने लग गया है। तो अब हम इसे रख करके मीडियम फ्लेम में इसे ढक करके स्टीम होने देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो मोदक है बन करके तैयार है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स और इसके ऊपर घी डालते हैं जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर मोदक बन करके तैयार है और इसे परोसने से पहले हम इसमें डालेंगे ऊपर से घी। अगर आपके पास सैफ्रॉन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे मोदक का कलर और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। तो अब मैं इसे आपको खोल करके दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा स्टफिंग अंदर स्टफ्ड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोदक बन करके तैयार है, रेडी है गणपति बप्पा जी को भोग लगाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे इस बार ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।